हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं सुबह के 10 बजे से और मैंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अभी मेरी तैयारी हो गई है घर सर्दियों का बहुत बड़ा काम निपटाने की, जो भी गर्म कपड़े थे उनको उठाना है और सारा घर सेट करना है थोड़ा सा। तो मैं अभी कपड़े वगैरह रख लेती हूँ, इसलिए मैंने कुछ कपड़े बाहर धूप में भी निकाल दिए हैं और कुछ धो धो के बेड के ऊपर रखे हैं दूसरे रूम में। तो आज सारे मैं सेट कर देती हूँ, लगती हूँ काम पे। तो मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं गर्म, आज मैं इनको उठाऊंगी क्योंकि आपको पता ही अभी सर्दियां चली गई है, तो मैंने धो धो के सारे रख दिए थे बेड के ऊपर। रजाई का कवर वगैरह लगा रही हूँ, फिर इसको भी मैं आज उठा दूंगी। गद्दे वगैरह भी मैंने सब बेड के बाहर निकाल दिए हैं ताकि इनको भी थोड़ी धूप वगैरह लग जाए। मैं कर रही हूँ बेड की सेटिंग, इसमें सारे कपड़े डाल दूंगी और बहुत गंद पड़ा हुआ है, गंद नहीं पड़ा हुआ है लेकिन कपड़ों का बहुत, आप समझ सकते हैं। सारे कपड़े बाहर है तो अभी रखने हैं। और ब्लैंकेट के ये थे ना, ये फट रहे हैं, नए ब्लैंकेट के बैग मंगवाने पड़ेंगे। मेरी सारी बेड की सेटिंग हो गई, सारा सामान मैंने अच्छे से सेट कर दिया। तो मेरे पास पुराने बैग हैं जिनको मैं यूज नहीं करती, उनमें मैं सामान डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पे एक टीवी मैं मस्त है सुबह से, क्योंकि भाई अभी इसके एग्जाम खत्म हुए हैं तो बंदा फ्री है ना। और टीवी में लगे हैं उसके शिवा है गाँव, बोल रहा है कि गाँव चले बेटा गाँव, कैसे पापा को छुट्टियाँ नहीं है ना, तो फिर इतनी धूप है। हाँ ऐसा तो होता है, जब आज को छुट्टी होती है तब पापा को छुट्टी नहीं होती और जब पापा को छुट्टी होती है तो आज को छुट्टी नहीं होती। ये बेड तो मेरा, रूम तो मेरा अच्छे से सेट हो गया, हम झाड़ू वगैरह लगाने को है सारा काम कर आवाज। तो जी ये बेड तो अच्छे से सेट हो गया और अब यहाँ पे है मुझे झाड़ू वगैरह लगाने को, जो गंदा जो कुछ सामान निकाल दिया वो क्या, हाँ तो बेड खराब करने को ही है। और यहाँ पे दूसरे रूम के भी गद्दे वगैरह निकाल दिए हैं और अब बना लेती हूँ। पहले मैंने गद्दे वगैरह सब बाहर निकाल दिए हैं, यहाँ भी थोड़ी धूप लग जाएगी। और तो गाइस 10 बजे की मैं लगी हुई थी और सारा काम सेट सेट करते 12 बज गए हैं और अभी भी कुछ नीचे गंद पड़ा हुआ है, जो बेस अभी भी नीचे कुछ बेस सामान जो मैंने निकाला वो सारा भरना है। लेकिन पहले बना लेती हूँ लंच, क्योंकि 12 o'clock हो गए हैं और 1 बजे अरज भी आ जाएंगे, तो पहले बना लेते हैं लंच और कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम निपटाती हूँ। रेड मसूर की दाल और यहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं क्योंकि आज मैं लंच बनाने में हो गई हूँ बहुत लेट, तो अभी फटाफट से बना लेती हूँ। आज मेरा लग रहा है दाल को शॉर्टकट तरीके से तड़का। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर साथ में ग्राइंड कर दिए है, ऑयल फ्री प्रेशर कुकर में डाल दिया है और आज बन रही है मसूर की दाल। तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, थोड़ी देर भिगो लिया है और यहाँ पे चावल भी बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। अब इनका पानी निकाल लेती हूँ और फटाफट से लगा लेती हूँ तड़का। ये साथ साथ में बन रही है मूली के पत्तों की और एक मूली के पत्तों की सब्जी, और क्योंकि मुझे चावल के साथ हरी सब्जी अच्छी लगती है। और आज बन रहा है प्योर पहाड़ी लंच, दाल चावल और हरी सब्जी। तो अभी मैं इसमें नमक हल्दी डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल को भी लगा दिया तड़का और अब प्रेशर कुकर मैं कर लेती हूँ बंद। कुकर भी मेरा हो गया बंद और चावल भी हो गए मेरे तैयार और इनको करती हूँ बंद। और यहाँ पे फटाफट से हरी सब्जी काट लेती हूँ, फ्रेश फ्रेश मूली के पत्ते थे तो मैंने साफ करके धो के रख लिए। अब मैं इनकी बनाऊँगी साथ में हरी सब्जी, चावल दाल के साथ सूखी हरी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैंने प्याज का सैलेड भी काट लिया है और प्याज को डाला है पानी में, जिससे इसमें थोड़ी तीखापन होता है, बहुत थोड़ा कम हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने सब्जी भी काट ली मूली मूली की और तेल भी डाल दिया है और यहाँ पे दाल बन रही है, चावल बन गया और सब्जी। मैं आज मैं प्याज का तड़का नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी इसको देसी स्टाइल में जीरा का तड़का लगा के। और आज पूरा मेरा प्योर पहाड़ी लंच बन रहा है, दाल चावल और हरी सब्जी। फट से
तड़केगा, मैं इसमें नमक हल्दी डाल दूंगी और सब्जी। बहुत सिंपल तरीके से आज मेरी सब्जी बन रही है। तो जीरा तड़क गया है, मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी और साथ साथ में पेस्ट कर नमक, क्योंकि हरी सब्जी कम हो जाती है इसलिए नमक थोड़ा कम ही डाले। मैंने लंच भी बना दिया और लंच में बनाई है आज अर्श की फेवरेट दाल। और क्या मेरी फेवरेट अब नहीं है, इसकी तो फेवरेट चेंज होता रहता है। और आज मैंने पूरा प्योर पहाड़ी लंच बनाया है, दाल चावल और साथ में हरी सब्जी मूली की और पापड़। अभी इनको मैंने लंच दे दिया है और अर्श भी अभी खाएगा। और देखो इसको खाने से तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा, इसका मिक्स कर दो। अच्छा बनाया है, अच्छी बनी है दाल। ओके यार, सब्जी मूली की सब्जी ट्राई नहीं की अभी। और ये तो लेता ही नहीं, इसको बोल रही थोड़ी हरी सब्जी, इसका मिक्स कर देता हूं मैं, नहीं तो ये फिर। और आप पनीर का पैकेट ले आना, पालक है, पालक पनीर बनाएंगे फिर। ठीक है, पालक पनीर खाएगा। बस कर रहा हूं, कितना शूट करना है वो तो इसका फेवरेट है। हां ठीक है, कर रहे। कैसा लग रहा है आपको लंच? हारा गांव वाला फील। और हवा पड़ रही है, पर्दा नीचे आ जा रहा बार-बार, कोई बात। और ये तो मानो बाप जल्दी कर, आज के बाद आपने बिस्किट नहीं लाने हैं, ये बिस्किटों में ही पड़ा रहता है यार, ठंडा हो जाएगा यार। तो मैं पिटाई करती हूं बैट से, लगाने तक आपको नींबू डालूं? हां सब्जी बताओ मेरे को मूली का, भुज्जू ट्राई कर रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं भुज्जू। कैसा बना है? ठीक है, ये भी टेस्टी है, टेस्टी है। तो अभी मैंने भी अपने लिए चावल डाल लिए है, दाल डालती हूँ। तो जी मैंने भी अपने लंच की प्लेट लगा ली है और अभी मैं भी गर्मा गर्म लंच का मजा ले लेती हूँ। मिर्ची खूब सारा डालना। अच्छा जी, सेक्टर टू का खाता सेक्टर टू का। तो अभी यहाँ पे वुमेन्स डे में डांस की प्रैक्टिस चली हुई है और यहाँ पे चली हुई है बहुत गपशप और बहुत थक गए डांस करके हमारे पार्टिसिपेट। हेलो, थक गए बहुत, डांस हो गया। कर लेते हैं जी, कौन सी कर रहे हो? कजरी कर लेते हैं, हमारा हुआ नहीं, हम लोग 2 दिन से करे भी कहां। और अभी हो रही है कजरी पे प्रैक्टिस, कजरी पे प्रैक्टिस। अभी हम आपको दिलाएंगे अपनी कजरी पे प्रैक्टिस। गाइस आप हमारे साथ और वीडियो और मीनाक्षी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको हमारे ऐसे इस मैंने आके डिनर बनाया। और डिनर में आज है दाल और आलू मेथी की सब्जी, मतलब पहाड़ी भाषा में भुज्जू। तो कैसा बना है? भुज्जू तो बना है बहुत मस्त, मस्त बना है, बहुत टेस्ट आ रहा है, सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज की दाल फेवरेट है तो दाल इसको अच्छी लगेगी। और आलू मेथी की सब्जी है और दाल है और ये दोनों खा रहे हैं और मैं गर्मा गर्म चपातियां बना के इनको दे रही हूँ, फिर मैं अपने लिए भी बनाऊंगी और यहाँ पे वीडियो भी एडिट करके एक्सपोर्ट हो रही है। गाइज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, मैंने आपको बताया कि वुमेन्स डे है, ये वीडियो जो है वुमेन्स डे के टाइम ही पब्लिश हो रही है और वुमेन्स डे का फंक्शन जो है शिवरात्रि के चलते होएगा 11 मार्च को, तो उसकी वीडियो तो आपको बाद में मिलेगी। मैंने प्रैक्टिस की वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि फिर उस ब्लॉग देखने का मजा नहीं रहेगा, तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि क्या प्रोग्राम होएगा। और एक बार फिर से आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाइयां और साथ में है आज शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाइयां। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।